रामनवमी के शुभ अवसर पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की दरखास्त पश्चिम बंगाल सरकार को की गई। हावड़ा के इलाके में जब रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए दरखास्त की गई, रिक्विजिट परमिशंस लिए गए, तब ये निवेदन किया गया कि 100 मीटर का एक ऐसा रास्ता है जिसमें पथराव होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की गई कि 100 मीटर की उस एक अंश में हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय प्रभु राम की इस शोभा यात्रा का संरक्षण हो। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस निवेदन के बावजूद रामनवमी की शोभा यात्रा को मात्र इस 100 मीटर के अल्प इलाके में संरक्षित नहीं कर पाई। रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा के इलाके में पथराव हुआ। मंत्री ममता बंदोपाध्याय ने इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस प्रकार का प्रहार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने न सिर्फ शोभा यात्रा करने वालों पर कटाक्ष किया, शोभा यात्रा करने वालों को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन साथ ही उन लोगों ने जिन्होंने पथराव किया शोभा यात्रा पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर, उनको क्लीन चिट दे दी। पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म के साथ इस प्रकार का उपहास, इस प्रकार का प्रहार ममता बंदोपाध्याय के राज में पहला इवेंट नहीं है। पिछले साल भी लक्ष्मी पूजन के दिन दलित समाज जब लक्ष्मी पूजन को कर रहा था, तब भी पश्चिम बंगाल के एक इलाके में लक्ष्मी पूजा करने वाले हिंदू समाज पर भी इसी प्रकार का प्रहार हुआ। ममता बंदोपाध्याय तब भी पश्चिम बंगाल की जनता को संरक्षित नहीं कर पाए। प्रश्न ये उठता है कि हिंदू समाज के खिलाफ ममता बंदोपाध्याय कब तक यूं ही प्रहार करती रहेगी, कब तक उन लोगों का संरक्षण करती रहेगी जो रामनवमी की शोभा यात्रा हो या लक्ष्मी पूजा हो।